शिंजो आबे की आज आखिरी विदाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल हुए। किशिदा से मुलाकात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे को याद किया। ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अबे शांत से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। अबे शांत और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता अबे शांत को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है, भारत एक प्रकार से अबे शांत को मिस कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।